चलते हैं हम लोग स्मूथली पढ़िए आप पढ़ते रहिए समझे कि नहीं ज़्यादा टाइम भी नहीं है छः महीना में ही रिजल्ट दे देना है ठीक है छः महीना में ही रिजल्ट आपको देना है यही चल रहा था मैट्रिक्स अच्छा ये क्लास तो हो गया था क्लास पिछले क्लास में क्वेश्चन करवा दिए थे कि एक ट्रस्ट है यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है कोई परेशानी तो नहीं है ये क्वेश्चन कल करवा दिए थे ठीक है समझ में आ गया होगा आप लोगों को आगे का क्वेश्चन क्या था अच्छा न्यू टॉपिक था न्यू पॉइंट्स था हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए ए मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको तो उसको क्या करना है बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम वाइस वर्सा रो को कॉलम में ले जाओ या कॉलम को रो में कर दो वही हो जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए समझ में आया ए मैट्रिक्स ऑप्टेन फ्रॉम एनी मैट्रिक्स ए बाई इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए इसको डिनोट कितना करते हैं ए ट्रांसपोज से या इसको ए भी कहते हैं और भी कहते हैं ए डैश से भी कहते हैं इसी को ट्रांसपोज भी बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए यहां पे देख लीजिए यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है कि अगर ए मैट्रिक्स हमारा एम बाई एन ऑर्डर है और उसका ट्रांसपोज कर दिया गया था एक मैट्रिक्स क्या मिल गया बी आई जे लिख दिया गया जिसका देखिए ऑर्डर यहाँ कितना था एम बाई एन तो इसका कितना ऑर्डर हो गया देख रहे हैं एन बाई एम इसमें सिर्फ यही है कोई भी मैट्रिक्स होगा था यहां पे लेकिन ये जो देख रहा है कि ए आई जे और बी आई जे तो ए आई जे बराबर बी आई जे हो जाएगा मतलब बस यहां फॉर ऑल जे के सारे जे के लिए जैसे एग्जाम्पल पे आप समझ में देखिए यहाँ पर लेट एग्जाम्पल में कि अगर ए हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है कि टू माइनस थ्री फोर फाइव सेवन नाइन ये कितना है हमारा ये है कितना देखिए टू रो एंड थ्री कॉलम तो अब हमको निकालना क्या है हमको जैसे लिखा है ट्रांसपोज ऑफ ए इसका क्या मतलब हो गया कि ए ट्रांसपोज लिखे या इसी को ए टी लिखे तो क्या है रो कॉलम इंटरचेंजिंग तो बस इसका जो ट्रांसपोज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसी को इसी से डिनोट करते हैं तो जो हमारे पास हमारे पास जो मैट्रिक्स है टू माइनस थ्री फोर फाइव सेवन नाइन उसका ट्रांसपोज कर दीजिए रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए बुआ कितना हो जाएगा देखो था बस ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये रो जो है हमारा कहाँ चला जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है कितना हो जाएगा टू माइनस थ्री फोर यहां पर देख रहे हैं फाइव सेवन नाइन दिख रहा है ये हमारा कितना इसका ऑर्डर था टू बाई थ्री इसका ऑर्डर कितना हो गया देखो थ्री बाई टू ये तो समझ में आया कि नहीं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है किसी को परेशानी नहीं है ठीक है ट्रांसपोज ऑफ ए समझ में आ गया मैट्रिक्स इजली एग्जाम्पल से बस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया यहां पे देख रहे हैं ना यहां पे एग्जांपल से समझ में आ गया आपका अच्छा इसका बताइए यहां पे एग्जांपल में बताइए कितना है इसका ऑर्डर अगर ए दिया हुआ है हमारे पास जैसे टू माइनस थ्री फोर सेवन तो इसका ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा तो फाइंड करना है हम लोगों को कितना फाइंड ए ट्रांसपोज बताइए ट्रांसपोज कितना इसका रो ऑर्डर कितना है बुआ इसका ऑर्डर बताओ तो कितना जल्दी है इसका ऑर्डर ऑर्डर इसका ऑर्डर कितना है ऑर्डर जल्दी बताओ बोलो ऑर्डर ऑर्डर जल्दी बताओ कोई नहीं बोल रहा है कितना है बुआ? इसका देखो था फर्स्ट रो कॉलम कितना है देखो था वन टू थ्री एंड फोर्थ वन बाई फोर ट्रांसपोज करोगे इसी का तो कितना हो जाएगा देख रहे हो ये हम लोग क्या किए टू माइनस थ्री फोर एंड सेवन इसका ट्रांसपोज कर दिए तो बोला देखो यहां पे ट्रांसपोज या टी कहो टी भी लिख सकते हो या ए प्राइम वन बाई फोर फोर कॉलम है वन बाई फोर ऑर्डर इसका हो गया ये बोलना है वन बाई फोर इसको क्या पढ़ेंगे वन बाई फोर ऑर्डर थी ये कितना हो जाएगा टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री फोर एंड सेवन ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोज देखो हम्म बाई का मतलब स्लैश नहीं इनटू को बाई पढ़ते हैं ठीक है बुआ इसको पढ़ते हैं ए इंटू फोर नहीं ए बाई फोर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं चले आगे हम लोग ओके यहां चलिए ट्रांसपोज ऑफ मेट्रिक तो समझ में आ गया कि रो एंड कॉलम इंटरचेंजिंग करेंगे हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है उसका प्रॉपर्टी अब देख लीजिए का का प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहला प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिए तो पहला देखिए क्या है हमारा पहला जो प्रॉपर्टी है कि अगर मानते हैं कि एफ ए, ए कितना है हमारा देख लो टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री समझ में आया अब इसका देख लीजिए हमारे पास कि ए ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो रो कहां चला जाएगा कॉलम में देखिए या कॉलम जो कहिए टू फाइव टू फाइव पहला कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो यहां देख लो हमारा फोर और थ्री यही ना हो गया देखो टू थ्री फोर ऐसे है तो टू थ्री फोर ऐसे हो गया फाइव फोर थ्री ऐसे है तो फाइव फोर थ्री ऐसे हो गया इसका ऑर्डर जान रहे थे कितना है टू बाई थ्री है तो इसका हो जाएगा थ्री बाई टू ए ट्रांसपोज हो गया फिर इसका ट्रांसपोज करके देख लो तुम लोग खुद देख लो करके तो कितना हो गया इसका रो कॉलम में बदलिए तो कितना होगा थ्री फोर कितना हो गया फोर थ्री तो ये कितना हो गया देखो तो टू बाई थ्री इसका मिला के देख लो तो ऐसा है कि नहीं ए के बराबर है कि नहीं ये समझ में आ गया प्रॉपर्टी पहला कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा इसका मतलब है कि फिट ट्रांसपोज अगर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा फिर वही रो कॉलम में चला जाएगा। जा, फिट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिए तो वही आ जाएगा मतलब पावर फोर होगा सिक्स होगा एट होगा जैसे ही बदलते जाएंगे तो जो मैट्रिक्स हमारा लेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा ठीक है किसी को कोई परेशानी नहीं है चलिए आप अभी सिंसियर रहना है बुआ ये सब पढ़ते चले जाना है ठीक है हा ठीक है सिंसियर रहना है अच्छा से अभी जो भी पढ़ना है अभी कितना दिन बचा ही है इसी में आपको रिजल्ट दे देना है सारे आपके अड़ोस पड़ोस तो खास कर इंतजार कर रहे होंगे का इंदर क्या रिजल्ट आता है बउवा का ठीक है देख लो यहाँ पे ए हमारा ले लेते हैं कितना अगर मान लिया जाए टू थ्री फोर फाइव और वन टू ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स अब ज्ञान रहे कि देखिए यहां पर कौन सा है यहां हमारा मैट्रिक्स हमारा कनफॉर्मेबल एडिशन कन्फर्मेबल एडिशन का ये मतलब कन्फर्मेबल मैट्रिक्स कौन है इसका मतलब बी की बात करते हैं तो एडिशन कब होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी का ऑर्डर अगर सेम होगा तब ये ऐड होगा नहीं तो नहीं ऐड होगा तो हमारा देखिए बी का ऑर्डर लिख लीजिए जैसे देखिए थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव और सिक्स टू वन इस तरह से आपका बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हम दो लोग देख रहे थे कितना है टू बाई थ्री ये भी ऑर्डर है तो कितना है टू बाई थ्री इसका मतलब है कि दोनों का एडिशन कर दीजिए पहले तो एडिशन आप लोग करते हैं ए प्लस बी इसका ऑर्डर सेम अगर है ये तो एडिशन होगा तो एडिशन कर लीजिए हम लोग एडिशन करते हैं तो कितना हो जाएगा पहले ए मैट्रिक्स लिख लीजिए फिर क्या है उसके बाद दूसरा लिख लीजिए और दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि क्या है इसका टू बाई थ्री टू बाई थ्री है तो यही ना है टू बाई थ्री क्या ये है सामने एकदम इजी है बहुत आसान है ये तो कैसे है टू बाई थ्री का सामने सामने इसके सामने कितना हो जाएगा यहां पर देखिए टू थ्री वन फोर फाइव टू इसका कितना है थ्री फोर फाइव इसका कितना हुआ सिक्स टू वन इसका एडिशन अगर हम लोग करते हैं हाँ ठीक है इसका एडिशन करके देख लो तो कितना हो जाएगा टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा सेवन ये हो जाएगा सिक्स फोर प्लस सिक्स टेन हो जाएगा फाइव प्लस टू कितना सेवन हो, हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा ओके? अब इसका कर लो, करके देख लो, कितना हो जाएगा रो कहां चला जाएगा हमारा कॉलम में तो देखिए फाइव सेवन सिक्स और टेन सेवन थ्री ये समझ में आ गया ये हमारा मैट्रिक्स बन गया कितना ये टू बाई थ्री आया था रिजल्ट और उसका ट्रांसपोज कर लिया था थ्री बाई टू ओके हमने ये कहना चाह रहे थे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज कर लो फिर बी ट्रांसपोज कर लो उसके बाद एडिशन करो एंड अब क्या करना है कि यहां पर देखिए तो ए ट्रांसपोज अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा बुआ देख तो कितना हो जाएगा देखो तो टू थ्री वन फोर फाइव टू ठीक है उसका देखो तो बी ट्रांसपोज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यहां पे बी ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो बी का ट्रांसपोज कितना है है अब क्या है कि ये दोनों को जोड़ दीजिए यहां पे ट्रांसपोज का मतलब ए टी लिखना या बी डैश लिखना ठीक है दोनों सेम ही है इसको टी भी लिख सकते हैं अब प्राइम भी लिख सकते हैं हर जगह यूज कर सकते हैं ठीक है अब दोनों को जोड़ के देख लो तो कितना हो गया देखो तो यहां पर टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव फोर प्लस सिक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो था टेन यहां पर देख लो फिर थ्री प्लस फोर कितना होगा सेवन फाइव प्लस टू कितना हो जाएगा सेवन और उसके बाद कितना हो जाएगा सिक्स और ये कितना हो जाएगा थ्री ये दोनों मिला के देख लो बुआ अब यहां पर देखो इसको वन को और इसको टू को कंपेयर करो टू को कंपेयर करो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि कि ये जो ट्रांसपोज आ रहा है ए प्लस बी ठीक है क्या आ रहा है हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये a ट्रांसपोज प्लस क्या है हमारा b ट्रांसपोज के बराबर आया रिजल्ट ओके तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आपका क्या हो गया हमारा ऐसे ही तो दिमाग में आपको एकदम बैठा रहना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हम ठीक है किसी को परेशानी नहीं है चलिए नेक्स्ट देख लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है ये क्या है हमारा ये क्या है स्केलर नंबर नंबर कोई भी जैसे टू थ्री फोर फाइव कोई भी है तो उसमें क्या है हमारा कि ए मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिए या क्या कि ट्रांसपोज करके एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई एक ही होगा ठीक है यहां पे क्या कर करते हम लोग ऐड कर लेते हैं हम लोग इसी में क्या था थर्ड प्रॉपर्टी उसको देख लीजिए आप कि जैसे क्या था अगर मानते हैं कि एफ अल्फा के जगह पर हम लोग लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स हम लोग क्या मान लें, जैसे टू थ्री फोर और वन ले लेते ले हैं ठीक है उसके बाद टू ए मैट्रिक्स अल्फा क्या है अल्फा के जब हम लोग क्या ले लेते ले हैं टू तो टू ए का मतलब क्या हो जाएगा ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर सिक्स एट टू कोई दिक्कत नहीं इसलिए टू ए का ट्रांसपोज कर बुआ तो कितना हो जाएगा फोर सिक्स और एट टू इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी को एंड साथ साथ इसी में अब क्या करना है कि हमने क्या बोला कि ए ट्रांसपोज कर लो पहले इसका मतलब है कितना टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा ये रोक किसमें कॉलम में अब फोर हो जाएगा और उसके बाद वन हो जाएगा तब यहां पर एक रिजल्ट ये है उसके बाद टू ए डैश कर लो तो कितना हो जाए देखो फोर एट सिक्स Two. कोई दिक्कत अब ये दोनों से कंपेयर करो तो क्या है हमारा फ्रॉम एंड से क्या कंपेयर करो तो देखो था दोनों सेम है कि कि नहीं इसका मतलब है अल्फा अल्फा से alpha A को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर लीजिए या ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा सेम तो तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको क्या देखो कोई रात में सूत के देखेगा कोई कुछ करेगा समझे कि नहीं जो देख रहा है सोया से सो खोया जागा से पाया क्या करें हिमांशु बताओ तुमको सावसी हम कैसे थे यहां रहते थे तो थपथपाते तुमको हम हैं ठीक है चलिए ये किसी को दिक्कत है थर्ड प्रॉपर्टी पड़ क्लियर हो गया चलिए यहाँ पे देखिए ये बड़ी इंपोर्टेंट बात है यहां पर ध्यान रखना इसलिए है इस लगा दिए मल्टीप्लिकेशन क्या क्या? या रिवर्सिबल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई पहले अगर होने का कंडीशन है अगर हो जाता है ये मतलब इसका कितना हमारा है ऑर्डर जैसे मान ली कि एम बाई एन आ इसका हो जाएगा एन बाई पी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बाई पी होगा उसके बाद ट्रांसपोज कर लो या ए को ट्रांसपोज कर को बी ट्रांसपोज करके मल्टीप्लीकेशन देखिए बी वाला आगे चला जाएगा ध्यान रखेंगे इसको इस पर अगर एग्जाम्पल हमारा एक क्वेश्चन अगर हम करवाते हैं इस पर चलिए देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग प्रॉपर्टी फोर देख लेते हैं ठीक है प्रॉपर्टी फोर में हमारा क्या था अभी बोले हैं कि ए बी का ट्रांसपोज करने से क्या है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ठीक है ये रिजल्ट आना चाहिए अगर हमारे पास अगर एक एग्जाम्पल हमारे पास देखिए क्या लिखते, है? two, three, four, five, लिखते हैं टू थ्री और फोर फाइव ठीक है इस जगह और कुछ लिख दें क्या वन टू एक हो गया कितना बाई कितना ऑर्डर का हो गया देखो तो टू बाई थ्री ऑर्डर का है बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बुआ देखो तो बी मैट्रिक्स ले लो बी मैट्रिक्स कितना है वन टू थ्री यहां पे फोर सिक्स वन ये कितना है थ्री बाई टू ऑर्डर का है अब कंफर्मेबल का मतलब यह हो गया कि ए बी मल्टीप्लाई होना चाहिए इसका मतलब है इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है तब यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हमारा तो इसका मतलब है कि ए बी पहले मल्टीप्लाई करके दे इसका बी का ऑर्डर कितना देखो ए बी थ्री यहां पे कितना है रो इसका मतलब आएगा हमारे पास कितना ऑर्डर का आएगा बताओ तो ये जो भी है यहां पे बताइए कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बुआ देखो था टू बाई टू ऑर्डर हो जाएगा ठीक है ये कितना है थ्री है ना नंबर ऑफ कॉलम कितना इसका देखो कैसे लिखेंगे हमारा इसका ऐसे इसके किसके इस पर रखो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा टू इसका है हमारा रो में और ये हो जाएगा कॉलम में टू बाई टू तब मल्टीप्लाई कर लो तो हम देखते हैं कितना हो गया ऐसे करो तो कितना हो जाएगा ये देखो ऐसे ऐसे रखो ऐसे ऐसे रोटेट करके ऐसे रखो टू इंटू वन टू प्लस थ्री इंटू इतना सिक्स इसका कितना हो जाएगा थ्री फिर उसी तरह यहां पे इस पे रखो तो कितना होगा टू इंटू फोर एट कितना हो गया एटीन अब प्लस कितना हो जाएगा वन अब देखिए दूसरा रो उठाइए इसके कॉलम पे रखिए बाबू ठीक है तो कितना हो जाएगा हमारा फोर प्लस कितना हो जाएगा टेन प्लस सिक्स इसका कितना है सिक्सटीन प्लस थर्टी प्लस टू ठीक है हां देखो बुआ <coughs> पढ़ाने के लिए पढ़ाई तो दो ही तरह से होता है एक तो शौक से होता है कि किसी को कुछ करना है जुनून है अंदर में कि हमको कुछ कर जाना है अभी ठीक है तो करता है नहीं तो हम अपने घर में तो सब ट्राई करके देख चुके एक भाई है उसको पीट पाट के पढ़ाते थे तो वकील बन गया अब नेता भी बन गया तो उसी तरह का कैटेगरी का दूसरा को कहते थे कि मत पढ़ो मत पढ़ो ऐ जाओ खेल गया थोड़ा कम पढ़ो घूमो जब पढ़ने का हो पढ़ो इंजॉय करो थोड़ा सा क्या है कि पढ़ाई में सिंसियर हो तो एकदम सिंसियर जब पढ़ाई करना है तो सिंसियर है ना खेलना देखो बजे से खेलना है वो सक्सेस कर गया लाइफ में तो इसीलिए वो जब पढ़ाई का वक्त हो तो एकदम सिंसियर रहिए और जब खेलने का वक्त हो तो खेलिए ठीक है ध्यान रखना है यहां पे चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 11 ये देखिए तो कितना हो गया ठीक है इसका कितना हो जाएगा ट्वेंटी इसका कितना होगा देखो तो फोर्टी एट कितना हो गया टू बाई टू इसका ट्रांसपोज कर दोगे इसका मतलब अब कर रहे हैं हम लोग मल्टीपिकेशन करने के बाद देखो तो एलेवन बाई ट्वेंटी सेवन कितना इलेवन ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी कितना हो गया फोर्टी एट यह कितना हो गया बुआ टू बाई टू ट्रांसपोज कर दिए हैं रो कॉलम में चला गया था ये एक रिजल्ट आपका ये आया ना कि तो आगए। तो आगए। तो तो कितना है यही हमारा रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या करना है हमको देखो तो यहां पे बी ट्रांसपोज करके प्री वो कहलाएगा कर लो कितना हो जाएगा बी ट्रांसपोज हमारा पहले का ट्रा रो कॉलम में चला जाएगा वन फोर टू सिक्स थ्री वन और उसके बाद क्या है हमारा ए ट्रांसपोज देख लो ए को ट्रांसपोज करो कितना हो जाएगा टू थ्री वन इसका कितना हो जाएगा फोर फाइव टू ठीक है अब देखिए यहां पे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा देखो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसका ऑर्डर कितना है बउवा एलेवेंथ वाले तो बहुत सिंसियर है ट्वेल्व वाले ही सिंसियरिटी अपना नहीं दिखाइएगा तो कैसे होगा चलिए कितना आप लोग को मोटिवेशन दिया जाए ये बताइए कैसे कैसे किया जाए आप तो कोई सर्फ एक्सल से धो के नहीं आप लोग को कुछ किया जा सकता है <laughs> चलिए तो कितना हो गया टू बाई थ्री जो भी है देखिए यहां पे टू बाई थ्री इसका कितना है थ्री बाई टू इसका देखिए कितना हो जाएगा इसका मल्टीपिकेशन देखिए तो कितना हो गया पुगा? अब देखिए कितना हो जाएगा हमारा यहीं पे इसका रिजल्ट देख लेते हैं कितना हो गया ये देखो ए ये देखिए ये क्या हॉरिजॉन्टल इसके कॉलम पे रख दो पहला पहला रो सेकेंड इसका मतलब है कि, कि कितना ऑर्डर का मिलेगा हम लोगों को देख रहे हैं ये ये कॉलम रो के बराबर कितना मिला टू बाई टू ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स मिला देखो इसको ऐसे रखो तो वन टू के पास टू थ्री के पास थ्री वन के पास जाएगा कितना हो जाएगा देखो था टू प्लस कितना हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री फिर ऐसे उस पर रखो तो कितना थ्री प्लस टेन थ्री प्लस थ्री ठीक है ये कितना हो जाएगा थ्री है ना हाँ इसको ऊपर रखो तो उस पर रखो तो थ्री प्लस टेन ठीक है उसके बाद कितना हो जाएगा सिक्स अब ये देखो सेकेंड वाला अब सेकेंड वाला देखो तो कितना हो जाएगा सेकेंड वाला ये सेकेंड वाला उठाओ इसको रो इसके कॉलम पे रखो इस पे फिर इस कॉलम पे रखना ठीक है फिर इस पे तो कितना है देखो तो कितना हो जाएगा एट उसका कितना हो गया एटीन और प्लस कितना हो जाएगा वन फिर इसको उस पर रखो कितना हो जाएगा ट्वेल्व <coughs> ठीक है सिक्स फाइव के पास ये कितना हो जाएगा टू प्लस टू अब देख लो कितना आ गया कितना आ गया ये हमारा आ, कितना है एलेवन अब उसके बाद कितना हो गया बुआ देखो तो ये देखो था कितना है नाइनटीन आ रहा है कितना आ रहा है इसको इस पे रखेंगे तो कितना हो गया थ्री और टेन और ये हो गया सिक्स थ्री टेन सिक्स ये हमारा कितना हो गया ये मल्टीप्लाई करने के बाद एलेवेन इनटीन इसका कितना हो गया ट्वेंटी सेवन और ये कितना हो गया बुआ देखो तो कितना है फोर्टी एट ये टू बाई टू दोनों का वैल्यू जो होना चाहिए सेम होना चाहिए ये ट्वेंटी नहीं देख रहे ना इसका मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन देखिए तो ये वाला कौन सा एलिमेंट है यहां पर ट्रांसपोज किए तो मतलब ये ट्वेंटी था यहां चला गया था ये वाला हमारा देखिए तो कितना है पहले कौन सा था रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखो तो कितना है ठीक है उसका कितना ये देखो तो कितना हो गया इस पे रखो था फोर टेन और उसका कितना हो गया यहां पर देखो तो सिक्स यहाँ पे तो ठीक है अब क्या है यहां पे हम लोग यहां पे देखिए तो कहां पे क्या है ये कितना हो गया 19 यहां पे कितना था बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज यहां बी है इसका मतलब वन फोर टू सिक्स थ्री वन ठीक है ए ट्रांसपोज देख लो बुआ टू थ्री वन टू थ्री वन फोर फाइव टू फोर फाइव टू हमारा कहां पे मल्टीपिकेशन फर्स्ट में ना फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड पे रख दीजिए यहां पे सेकेंड पे तो कितना हो जाएगा वन इन टू थ्री टेन और सिक्स कितना है थ्री सिक्स कुछ गड़बड़ है यहाँ पे कहां पे मल्टीप्लाई कीजिए ना कितना हो गया कितना है बुआ ट्वेंटी सेवन सेम आएगा यहां पे कितना है इलेवन है तो यहां भी एलेवेन उसका यहाँ देखिए यहाँ 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 इलेवन तो यहां भी इलेवन उसके बाद कितना है हमारा यहां पे 27 है तो यहां भी ट्वेंटी सेवन यहाँ फोर्टी 48 है यहां पे 19 का से है उसको मिला लीजिए आप दोनों का सेम होगा यही होगा ठीक है हम लोग तो तो कहां था इसमें ठीक है यहां है 20 यहां है उसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन हो गया ये वाला कौन सा है फोर फाइव टू को मल्टीप्लाई किए हैं इसके साथ ठीक है फोर फाइव टू हम लोग एलिमेंट ठीक लिखे हैं ना बी का ट्रांसपोज कितना है वन फोर टू सिक्स ऐसे ऐसे वन टू थ्री फोर सिक्स वन बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कितना है टू थ्री वन टू थ्री वन फोर फाइव टू ओ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया ए ट्रांसपोर्ट जो है यहां पर देखिए फोर फाइव टू फोर फाइव टू का ट्रांसपोज जो हम लोग लिखे थे कितना है फोर फाइव टू फोर फाइव टू यहां पर लिखने में क्या है फोर फाइव टू ये फोर है ठीक ना तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको कितना है सिक्सटीन क्या मिला लीजिएगा ना यहां पे मिला लीजिएगा आप मल्टीप्लाई करके एक क्वेश्चन और करवा देते हैं यहां पे तो कितना है ये दोनों इसका 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 देख लीजिए और इसका तीन की जगह पर चार हो गया कहां पे की बात कर रहे हैं हम लोग बी ट्रांसपोज लिखे हैं तो कैसे है वन टू थ्री वन टू थ्री देखो फोर सिक्स वन द फोर सिक्स वन उसका तो एक है ट्रांसफोर टू थ्री वन द टू थ्री वन फोर फाइव टू दो फोर फाइव टू इसको देखिए यहां ये कितना है टू फोर अच्छा टू फोर यही गड़बड़ हो गया देखिए यहां पे एलिमेंट ठीक है थ्री फाइव थ्री फाइव वन टू मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका इसका मल्टीपिकेशन आप लोग कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया बुआ इसका मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए ठीक है इसका मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए दोनों सेम होगा जैसे इस पे और एग्जाम्पल एक देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एफ ए बराबर इक्वल दिए हुआ हम लोगों का क्वेश्चन बनाना है आप लोगों का देखिए तो कितना है वन टू थ्री टू बी का वैल्यू दे देते हैं यहां पे देखिए फाइव टू जीरो वन ए बी का ट्रांसपोज हम लोगों को करना है देखिए तो कितना हो जाएगा ए बी पहले मल्टीप्लाई कर लो ए कितना हो गया वन टू थ्री टू और बी का वैल्यू कितना है बुआ देखो था फाइव टू जीरो वन कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन टू बाई टू टू बाई टू ठीक है मल्टीप्लाई तो सीख चुके हैं आप लोग वन टू यहां पर देखो इसके कॉलम पे रखो तो कितना हो गया रो कॉलम पे कितना हो जाएगा ऐसे मूव करके रखो वन का फाइव के पास कितना हो गया फाइव प्लस टू का जीरो के पास जीरो फिर इसको इसके पास रखो कितना हो जाएगा वन वन इंटू टू अब प्लस टू इंटू वन टू वन इंटू टू टू हो गया यहां पे टू हो गया फिर इसका देखो सेकेंड रो इसके कॉलम कितना हो जाएगा फिफ्टीन प्लस जीरो क्या? फिर इसको रखो यहां पे कितना हो जाएगा सिक्स प्लस कितना हो जाएगा टू इसका कितना हो गया बुआ देखो था फाइव फोर फिफ्टीन एट टू बाई टू यहां पर रिजल्ट आ गया अब क्या करना है यहां पे इसका ट्रांसपोज कर लो बुआ ए ट्रांसपोज भी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा देखो था फाइव फोर फिफ्टीन और एट एट ये एक रिजल्ट आया एंड अब हमको मिला के देख लीजिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो था वन टू थ्री टू अब बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा देखो था बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बोला देखो था बी फाइव टू जीरो वन किसी को कोई परेशानी है नहीं ना चलिए यहां पर क्या है बोले थे कि बी ट्रांसपोज जब ए बी का ट्रांसपोज किए थे तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज करो पहले बी लिखना है इसको प्री मैट्रिक्स ठीक है इसको प्री मैट्रिक्स लिखना है कितना है ये हमारा फाइव जीरो टू वन और उसके बाद ए का मैट्रिक्स लिख लो वन थ्री टू टू मल्टीप्लाई करो बुआ अब इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इसको उठा लीजिए फाइव जीरो को इसके कॉलम पे रखिए तो फाइव इंटू वन फाइव देखिए यहां पर कितना हो गया जीरो फिर इसको इस पे रखिए तो कितना हो जाएगा इस पर इस पे इस पे तो फिफ्टीन अब प्लस कितना हो जाएगा देखो था जीरो क्या चलिए देखिए अब इसका कितना हो जाएगा इसका मल्टीपिकेशन कितना हो जाएगा हमारा इसके साथ तो देखो तो दे कितना हो गया टू प्लस टू फिर कितना हो जाएगा सिक्स प्लस टू हमारा कितना रिजल्ट हो गया देखो था फाइव फिफ्टीन फोर एट फ्रॉम वन एंड टू से मिला के देख लो दोनों सेम है कि नहीं दोनों सेम है कि नहीं देख लीजिए मिला के फ्रॉम वन एंड टू क्या मिल गया हमारा कि ए बी ट्रांसपोज जो है ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ठीक ना किसी कोई दिक्कत नहीं है तो ये चारों का चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ये प्रॉपर्टी समझ में आया ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा उसके बाद ये, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिल जाएगा कब कन्फर्मेबल का मतलब ये होगा कि जब एडिशन पॉसिबल होगा तब और उसके बाद क्या है कि अल्फ़ा जो है हमारा क्या है स्केलर मैट्रिक्स है जैसे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स को करेंगे उसके बाद ट्रांसपोज कर लेंगे या ट्रांसपोज करने के बाद इसके बाद मैट्रिक्स ये स्केलर uh, नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का वैल्यू सेम होगा यहां पे देखिए जब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज कर लीजिए या इसके बाद क्या कि ट्रांसपोज करने के बाद ठीक रिवर्सिबल ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए ठीक है वही लिखा है ए बी एज ए कंफर्मेबल फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ठीक है आगे चलते हैं देखो बुआ हा यहां पे क्या है हमारा हाँ नेक्स्ट ये पॉइंट ये सब है बोर्ड के सिलेबस से थोड़ा अपर सिलेबस में आ गए हम लोग ठीक है ये कंजुगेट 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 जो है क्या ट्रांसपोज तो है बोर्ड में जो भी प्लस टू के सब में है बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड सब में ये कंजुगेट मैट्रिक्स मल्टीपिकेशन जो यहां जी कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट करना है तो यहां पर देख लीजिए पहले, पहले देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है कि द मैट्रिक्स ऑप्टेंड फ्रॉम एनी गिन मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो ऑप्टेंड होगा जो आपको मिलेगा जो गिवेन मैट्रिक्स का कॉन्टेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा प्योर रियल नहीं होगा कॉम्प्लेक्स होगा एज इट्स एलिमेंट्स यहां पे क्या लिखा है एज इट्स एलिमेंट मतलब जो गिवेन मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट दिया हुआ है वह एलिमेंट क्या है हमारा क्या है हमारा कंटेनिंग क्या है ये जो हमारा कंप्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट ऑफ एलिमेंट मतलब उस जो एलिमेंट है उसके कंजुगेट से उसको रिप्लेस कर देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग कंजुगेट ऑफ ही इसको क्या है कि कंजुगेट ऑफ ए को ये देखिए इससे डिनोट करेंगे ए बार है इसी को कंजुगेट भी बोलेंगे ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि यहां पर जब समझ में आएगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है कौन सा बोले हैं जैसे टू प्लस थ्री आई यहां लिखा फाइव माइनस टू आई माइनस आई माइनस आई या वन माइनस आई है यहां पर लिखा हुआ है थ्री ओके okay? यहां पर समझ में आया अब क्या कह रहा है कि कंजुगेट कंजुगेट ये इसका क्या मतलब हुआ ये इसका मतलब ये हो गया इसी को पढ़ेंगे क्या कंजुगेट ऑफ किसका ए मैट्रिक्स क्या होगा यही हो गया उस पर कंजुगेट का मतलब क्या है यहां पर सिमलेपली बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा गिवन मैट्रिक्स से जो कंप्लेक्स नंबर का एलिमेंट्स होगा सिर्फ और सिर्फ क्या करते ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट ऑफ द नंबर रिप्लेस कर दीजिए इसका कंजुगेट कितना हो गया बुआ जान रहे हैं कि अगर कोई नंबर आपके पास है अगर हम लोग कैसे याद होगा कि जेड बराबर लिखते थे थ्री प्लस टू आई तो इसका मतलब है कि जेड कंजुगेट का क्या मतलब हो गया थ्री प्लस टू आई यहाँ पे कुछ करना नहीं आई को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आई से कितना हो जाएगा हमारा थ्री माइनस टू आई ठीक है फिर इसका अगर कंजुगेट का कंजुगेट करना होता तो थ्री माइनस टू आई इसका कंजुगेट कर देते हैं रिप्लेस तो कर देते तो कितना होगा थ्री प्लस टू आई यही हो गया अब हम लोग देखिए यही समझ में आ गया कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स किसको कहेंगे जितना भी है उसको रिप्लेस कर दीजिए तो इसका मतलब हो गया कि पूरे का कंजुगेट हो गया पूरे एलिमेंट का तो कौन हो जाएगा देखिए तो टू माइनस थ्री आई हो जाएगा फाइव माइनस कितना इसका सबका कंजुगेट इसको प्लस है तो इसको कंजुगेट कर लीजिए फाइव माइनस टू आई है तो इसको भी कंजुगेट वन माइनस आई है तो इसका भी कंजुगेट थ्री है इसका कंजुगेट रियल नंबर क्या I है आई है यहां पर देखिए अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जेड बराबर फाइव है तो इसका मतलब है कि बराबर लिख सकते हैं फाइव प्लस जीरो आई इसको कंजुगेट करते हैं तो क्या हो जाएगा फाइव प्लस जीरो इंटू आई को क्या करते हैं हम लोग माइनस आई कर देते हैं यही ना हमारा आई है इसको रिप्लेस इसका मतलब फाइव वो कितना हो गया फाइव माइनस जीरो आई लेकिन ये लिखेंगे कितना फाइव फाइव ही हुआ ना तो रियल इमेजिनरी पार्ट तो हमारा क्या है कि जीरो है इमेजिनरी पार्ट तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसे तो जीरो हो जाएगा रियल पार्ट का अगर कंजुगेट किए हम लोग तो इसका मतलब ये कितना था यहाँ पे जीरो आई था तो जीरो आई तो वो रियल नंबर जैसा रहेगा उसी तरह रह जाएगा कितना होगा टू माइनस थ्री आई टू माइनस थ्री आई फाइव प्लस टू आई यहाँ कितना हो जाएगा वन प्लस आई और थ्री जितना है उतना है लिखे 2 by 2 order. ही लिखेगा टू बाई टू ऑर्डर यही हमारा हो गया कंजुगेट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए जो हमारा मैट्रिक्स दिया रहा कंप्लेक्स नंबर का एलिमेंट्स हो हाँ ठीक है कंप्लेक्स नंबर का एलिमेंट्स होगा एलिमेंट है ये भी है ना ये भी तो कंप्लेक्स ही नंबर है लेकिन पिलरियल है क्योंकि इमेजनरी पार्ट है कंप्लेक्स नंबर जो होगा सब क्या हो जाएगा जितना भी रियल नंबर है सारा नंबर जो कंप्लेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो पर सेट हो जाएगा ठीक है सारे एलिमेंट होगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम लोगों को सिर्फ क्या करना है कि सारे एलिमेंट को कंजुगेट कर देना मतलब इमेजिनरी पार्ट आई को रिप्लेस कर देना माइनस आई से ठीक है जैसे यहां पे माइनस था तो प्लस था तो माइनस हो गया आज जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा हमारा ओके चले हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे किसी को दिक्कत नहीं है नो सर नो डाउट ओके प्रॉपर्टीज पे चलिए यहां पर किसका प्रॉपर्टीज है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स जस्ट हम लोग अभी ट्रांसपोज की तरह देखिए सेम ये भी ट्रांसपोज है कि देख रहे हैं ना ट्रांसपोज पे हम लोग क्या जैसे लिखते थे ट्रांसपोज का क्या था ए डैश या इसी को क्या लिखते थे ए ट्रांसपोज ठीक यहां पे कंजुगेट पे ऊपर देख रहे हैं बार रॉड है वहां पे ऊपर में इसी को कह दिया इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कुछ भी अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट कर लिए फिर कंजुगेट कीजिए तो वैसे ही हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अगर हम आपको समझा दें पहला का क्या है कि अगर हमारे पास a बराबर कितना है थ्री माइनस आई टू प्लस थ्री आई और फाइव माइनस टू आई और वन प्लस आई ये हो गया क्या चीज मैट्रिक्स अब उसके बाद इसका कंजुगेट कर लो वो आ, तो कितना होगा गया थ्री प्लस आई फाइव प्लस टू आई टू माइनस थ्री आई वन माइनस आई ठीक है इस कंजुगेट का कंजुगेट कर लो तो फिर देख लो थ्री माइनस आई टू प्लस थ्री आई फाइव माइनस टू आई ये कितना है वन माइनस है तो प्लस हो जाएगा आई ये देखो मिला के ये किसका है देख रहे हो एक जैसा है कि नहीं यहां पे ये समझ में आ गया जब हमको कंजुगेट समझ में वहां पे क्या है कंजुगेट समझ रहे हैं ट्रांसपोज जब समझ गए तो कंजुगेट भी समझ में आ गया क्या ठीक यहां पे देख रहे हैं ए प्लस बी को जोड़ दीजिए उसके बाद कंजुगेट कर लीजिए मतलब अगर अगर दो ठीक इसी तरह का अगर हम नंबर लेते हैं सेम लेते हैं तो यहां पे जो नंबर है कि दोनों का कंजुगेट करके ऐड कर दीजिए तब सेम आ जाएगा हमारा ठीक है समझ में आ गया जैसे हम लोग ट्रांसपोज पढ़ रहे थे उसी तरह कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं अब यहां पे देखिए जो भी रियल नंबर है यहां पे देख रहे हैं रियल नंबर एनी रियल नंबर उसका कंजुगेट करना कंजुगेट का मतलब उसका भी कंजुगेट जैसे यहां पर रियल नंबर में कोई भी या कंप्लेक्स नंबर है number, कोई भी है उसका कंजुगेट कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां पे ठीक है यहां पे देखिए ये भी उसी टाइप का है जैसे वहां पे ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद तब ऊपर से कंजुगेट करना है यहां पे क्या क्या यहां पे देख लीजिए ए इंटू बी इसको मल्टीप्लाई करना ये देखना पड़ेगा यहां पे ठीक है पहले क्या था ट्रांसपोज में कि ए बी का ट्रांसपोज कर रहे थे तो क्या था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ठीक है यहां पे चेक कर ए एंड बी इंग भी क्या है कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर अगर हमारा कॉलम और रो इक्वल होगा प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक के रो के बराबर अब प्री मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा चौथा जो प्रॉपर्टी है उसी पे हम लोग चलते हैं अगर हमारा लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं कितना टू प्लस आई कितना लिख देते हैं थ्री माइनस आई कोई दिक्कत नहीं है अब बी का देख लीजिए यहां पर देख लीजिए बी बी का देख लीजिए कितना हो जाएगा हम लोग अगर लिखते हैं कितना टू प्लस थ्री आई यहां पर कितना लिख दें टू माइनस टू आई यहां पर कितना लिख दें वन प्लस आई और वन माइनस आई ये हो गया अब क्या है हमारा देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ऑर्डर तो हम सेम उस तरह से लिए हैं कि टू बाई टू है टू बाई टू है इस तरह से आप देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा हमारा सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई ए बी को मल्टीप्लाई करिए तब करिएगा क्या हो जाएगा ए बी का मल्टीप्लीकेशन ये तो आएगा आपको आ जाएगा हमको टू प्लस थ्री आई वन माइनस आई और टू प्लस आई और थ्री माइनस आई फिर कितना है यहां पर टू प्लस थ्री आई और वन प्लस आई और टू माइनस टू आई वन माइनस आई ठीक है तो ये कितना हो जाएगा टू बाई टू यह हो जाएगा टू बाई टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी हमारा कितना हो जाएगा देखिएगा जान रहे कि ये हमारा कितना है कॉलम इसके रो की इक्वल तो हमारा जो भी मैट्रिक्स मिलेगा टू बाई टू ऑर्डर का मिलेगा ठीक है अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो इसके रो से इसके इससे कर लो जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें लिखेंगे फिर उसके बाद क्या है कि इसका रो इसके कॉलम के साथ लिखिए ठीक है उसके बाद क्या करना है हम को कंजुगेट कर लीजिए फिर ए का कंजुगेट बी का कंजुगेट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए ठीक है तो यहां पे तो ट्रांसपोज के लिए ये हो गया लेकिन कंजुगेट के लिए सेम हो जाए क्या चीज ए बी का कंजुगेट करेंगे तो ए कंजुगेट बी कंजुगेट ध्यान रखना है क्या बोल रहा है वन के जगह पर आई रहने देंगे नहीं नंबर नहीं हुआ वहां पर जो था कंजुगेट करने का मतलब हुआ कि सिर्फ आई को रिप्लेस जैसे आई था ना यहां पे तो इसको माइनस आई करेंगे तो प्लस आई हो जाएगा आ ये प्लस है तो इसका मतलब ये माइनस आई है। आई को रिप्लेस कर देना है वही उसका कंजुगेट हो जाएगा ठीक है ना कंजुगेट जो होगा मीरड इमेज होता है एक्स एक्सिस के जैसे एक पर देख रहे हैं ना यहाँ पर देख लीजिए मीर इमेज का मतलब है कि जैसे इसका कितना है अगर लिखते हैं टू थ्री है तो इसी को नहीं लिखते हैं कितना और ये जेड है इसी का मिरर इसी पॉइंट का हम लोग मिरर इमेज लेते हैं तो ये कितना हो गया जेड कंजुगेट देखो ना टू माइनस थ्री आई होता है तो नीचे चला जाता कितना टू माइनस थ्री यही ना हो गया जितना ऊपर में है डिस्टेंस वही हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो एक एक्सिस होगा मेरड इमेज हो जाएगा इसका या इसका कंजुगेट जाएगा ठीक है यही है आगे चले ये समझ में आ रहा होगा हिमांशु चलिए यहां पे इंपोर्टेंट बात चलिए उसी का ये है थोड़ा क्या है कि बोर्ड के सिलेबस से ठीक है थोड़ा सा ऊपर है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या बोला ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स दिए हुआ है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट्स है तो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज कर दीजिए कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के मतलब एक मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट कर लीजिए फिर ट्रांसपोज कर दीजिए ठीक है तो वही हो जाएगा आपका क्या चीज ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ गिवेन मैट्रिक्स तो क्या लिखा है द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ किसका द कॉरस्पॉन्डिंग क्या ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब कि जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ जो मैंने बताया कि गिवेन मैट्रिक्स है उसको ट्रांस पहले क्या कर लेना है कंजुगेट कर लेना है उसके बाद ट्रांसपोज कर लीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड क्या कहलाता है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए ठीक है ना ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए इसको डिनोट किससे करते हैं देखते हैं डेल से थीटा से मतलब ए टू दी पावर थीटा थीटा का यही मतलब हो गया कि हम लोग ट्रांसपोज ऑफ यहां पे देख रहे हैं ना कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इसी से एडल इसका मतलब क्या हो गया द कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज है क्या सेम एज द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए मतलब ये हम बोल रहे हैं कि अगर ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट कर लीजिए मैट्रिक्स है उस पर कंजुगेट बार लगा दीजिएगा तो रिप्लेस हो जाएगा आई से आई से उसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिए या पहले ट्रांसपोज करके फिर कंजुगेट कर दोनों का वैल्यू सेम होगा वही लिखा है ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है क्या डिनोट इसे किए तो यहां पर से देखिए यहां से कि कंजुगेट ऑफ ऑफ द द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सेम एज द ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ यहां पर लिखा कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए यहां लिखा क्या ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए देख रहे हैं ना यहां पर देखिए एंड एंड एंडसा एंडा ठीक है तो वही यहाँ यहां देखिए इसमें इस पे यहाँ पे जो ए डैश है यहाँ पे डैश ट्रांसपोज ये तो लिख रहा है ना यहाँ पे ट्रांसपोज ये समझ में आ गया यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट कीजिए या कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज कीजिए ठीक है तो इसी को हम लोग लिखेंगे दोनों का वैल्यू सेम होता है ठीक है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहां पर देखिए ए मैट्रिक्स हमारा कितना है एलिमेंट है ए आई जे ऑर्डर कितना है एम बाई एन एम बाई एन एम बाई एन है बुआ ठीक है एम बाई तो यहां पर एन है ठीक है एम बाई एन तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए यहां पर देखते हैं इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ट ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर थीटा जैसे रख दिए तो बी आई जे यहाँ पर लिख दिया कि बी आई जे जो होगा इसका एलिमेंट होगा एग्जाम्पल इसका दे दिया जाए क्या क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए कि ए बराबर हम लोग देखिए सिंपल लिखे टू माइनस आई थ्री प्लस टू आई और वन प्लस फाइव आई और थ्री प्लस टू आई अगर ऐसे ही दिए हुआ ठीक है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए बुआ ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो चला गया कॉलम में टू माइनस आई थ्री प्लस टू आई फिर देखो इसका कितना है वन प्लस फाइव आई थ्री प्लस टू आई टू आई ओके ट्रांसपोज हो गया कैसे हो गया अब इसका क्या है कि कंजुगेट कर लो इसको क्या कर ले ट्रांसपोज को कंजुगेट कर लो तो इसी को ना बोलेंगे ए इसको क्या पढ़ेंगे बुआ इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे ठीक है बुआ समझ में आ रहा है चलिए हाँ ठीक है तो यहां देखिए तो इसको क्या पढ़ेंगे बुआ इसको पढ़ेंगे क्या ट्रांसपोज ऑफ किसका कंजुगेट पहले देखिए ट्रांसपोज नहीं ट्रांसपोज नहीं कंजुगेट ऑफ पहले यहां से देख लेते यहां से देख लीजिए आप लोग समझिए इसको ए, इसको क्या पढ़ेंगे ट्रांसपोज करके कंजुगेट किए तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या कंजुगेट कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए समझ में आया ये कंजुगेट ऊपर में ट्रांसपोज पहले ये कर दिए इसका कितना हो जाएगा इसको कंजुगेट करने के मतलब इसको रिप्लेस आई को इतना से कर लिए कंजुगेट कर लिए तो टू प्लस आई थ्री माइनस टू आई देखिए वन माइनस फाइव आई ठीक है थ्री माइनस टू आई समझ में आ गया एंड इसी तरह हम लोग देखिए अब क्या है कि हम लोग क्या किए ट्रांसपोज किए थे उसके बाद कंजुगेट किए थे आप क्या करना है हम लोगों को देख लीजिए यहां पर ए है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट किए तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि कंजुगेट पहले कर दे रहे हैं। इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा देखो तो बोलो टू प्लस आई थ्री माइनस टू आई वन माइनस फाइव आई कितना है थ्री माइनस टू ये दोनों देख रहे हैं ये ये दोनों क्या है हमारा सेम टर्म वही यहां लिखा हुआ था कि द कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज सेम एज द ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए तो हम क्या है ये समझ में आ गया यहाँ पे थीटा 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 यहीं पे इसको क्या पढ़ेंगे ए क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है इसी को यही पढ़ेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है किसी को चलिए आगे चलते हैं क्या चलिए हिमांशु यहां पे देखिए हम लोग जो अभी पढ़े थे आते ही पढ़े हैं क्या चीज ट्रांसपोज ऑफ ए हेमेट्रिक्स उसके बाद पढ़े हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स फिर पढ़े हैं क्या चीज कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ठीक है कंजुगेट कर दिए हैं मतलब जो भी आयोटा है उसको रिप्लेस माइनस से कर दिए थे ट्रांसपोज है जो रो है वो कॉलम में चला गया उसका प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं इसका भी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए किसका प्रॉपर्टी जो ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट का प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे कि अगर ठीक कोई भी मैट्रिक्स आपका है आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं कंजुगेट का जैसे पीछे है हमारा देख लीजिए यहां पे यहाँ पे यही ना है देखिए ए क्या ये ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए तो फिर इसके बाद क्या है कि उसके बाद जो प्रोसेस है ये भी एक मैट्रिक्स मिल गया सेम पैटर्न पे आप इसको करते जाइए फिर इसका क्या करना है हम लोगों को कंजुगेट करके फिर ट्रांसपोज कर लीजिए ठीक है कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर लीजिए कंजुगेट करके इसी को ए देख रहे हैं यहां पे इसका मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स से हम लोग ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट ये आया है फिर इस रिजल्ट को ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दीजिए तो क्या हो गया जो मैट्रिक्स हमारा है यहां वही आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम लोगों का क्या था ये जो थीटा था इसका A थीटा, इसका क्या कर देगा ट्रांसपोज ट्रांसपोज कर लो ट्रांसपोज कर रहे हैं ये मैट्रिक्स मिला ना हमारा इसको मैट्रिक्स मिला हमारा तो कितना है ट्रांसपोज करते हैं टू प्लस आई थ्री माइनस ट्रांसपोज का मतलब वन माइनस हा ये रो कॉलम में कर देते वन माइनस फाइव आई फिर कितना है थ्री माइनस टू आई और थ्री माइनस टू आई ठीक है अब ये ले लिए हैं तो उसका कंजुगेट कर दो फिर क्या हो जाएगा यहां पर ये तो एक मैट्रिक्स था ही उसका ट्रांसपोज तो किए ही थे इसका कंजुगेट कर दो तो यही हो गया हमारा इसको क्या पढ़ेंगे ये देखो ट्रांसपोज ऑफ ऑफ इसी को पढ़ते हैं तो ठीक इसको देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा देखिए कंजुगेट किया इसका कंजुगेट किए मतलब इसका कंजुगेट करो तो कितना मिल जाएगा तुमको यहाँ पे हम लोग पीछे का था मतलब इसके आगे जस्ट वही हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं इसका तो हम लोग क्या हो जाएगा इसका देखिए तो उसका कंजुगेट कीजिए तो इसका कंजुगेट कितना होगा टू प्लस है तो माइनस आई इसका देखिए तो वन प्लस फाइव आई देखिए थ्री प्लस टू आई थ्री प्लस टू आई देखिए तब हुआ सकल इसका कैसे मिला ए के बराबर है कि नहीं कोई दिक्कत है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए तो ये क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज देख रहे हैं ना कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज यहां पे समझ में आया तो प्रॉपर्टी यहां ये कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए फिर उसका कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो मिला था उसका करेंगे तो जो हमारा गिवन मैट्रिक्स वही हो जाएगा ठीक है ठीक है साथ में नहीं कर सकते हैं ना साथ में नहीं मतलब जो मैट्रिक्स हमारा जो आया है यहाँ पे पहले ये मैट्रिक्स हमने लिया था ना ट्रांसपोज कर लिए तो ये निकला था पर, पर, पर थीटा लिखे हैं उसका मतलब क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स फिर ये जो तो एक रिजल्ट आया तो ये एक तरह से इसको मान लीजिएगा ना कि एक मैट्रिक्स है हमारा एक मैट्रिक्स हो गया उसका फिर निकालिए यहाँ पर हम लोग निकालिए वही ए है ना एम एम का ट्रांसपोज निकाल दिए फिर एम का ट्रांसपोज का क्या कर देंगे हम लोग यहां पे कंजुगेट कर देंगे तो फिर रिजल्ट वही ए के बराबर आ जाएगा यही मतलब हुआ कि दोबारा कर देंगे ठीक ना ठीक है यहां पर देख लो हुआ मतलब एक तरह से कहिए कि जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स पढ़े हैं उसी तरह यहां पे कॉम्प्लेक्स रहेगा इसमें एलिमेंट्स हमारा ए प्लस बी मतलब क्या है हमारा ए एंड बी बी द टू कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स फॉर द एडिशन इसका मतलब कंफॉर्मेबल मतलब है कि इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर सेम होगा फॉर द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसे उसके बाद उसका कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द गिन एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेज ठीक यही होगा कि इस ए मेट्रिक्स का हम लोग निकाल लीजिए क्या चीज ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर, कर लीजिए फिर फिर बी मैट्रिक्स से क्या है ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर लीजिए तो इसका क्या है कि दोनों का जोड़ के कर दीजिए इधर अलग अलग कर लीजिए तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा ठीक है समझ में आ रहा है यहां पर देख लीजिए के क्या है हमारा एनी कोई रियल नंबर है वहां पर देख लीजिए यहां पर क्या है हमारा के है उस पर ट्रांसपोज कर रहे थे के बाहर हो गया आपका मल्टीप्लाई करके कर, इसका मतलब के को मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर लीजिए ईच एलिमेंट्स में के नंबर से उसके बाद हम लोगों का क्या है ट्रांसपोज कंजुगेट कर लीजिए या इसको कर लीजिए इस पे या इसको यहाँ पर आप देख लीजिए ए बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए दो मैट्रिक्स हमारा उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज तब फिर कंजुगेट या यहाँ पर देख लीजिए देखिए यहाँ पर देखिए रिवर्सल ऑर्डर में चला जाएगा बी आगे हो जाएगा ए हो जाएगा उसका ट्रांसपोर और कंजुगेट निकाल लीजिए इसमें कोई भी निकाल सकते एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ना हम आपको समझाते हैं जैसे मान लिया कि एफ अगर ए मैट्रिक्स हमारा दे देते हैं जैसे देखिए यहां पर क्या है ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ट्रांसपोज एंड कंजुगेट अगर लिखा हुआ है कि टू माइनस आई थ्री प्लस आई यहाँ पर कितना है वन प्लस आई यहाँ पर कितना है फोर माइनस आई चलिए यही कर लेते हैं इतना ही रखते हैं ठीक है थीके? अब यह है हमारा कि टू ए टू का ए से मल्टीप्लाई कर लो कर ईच तो एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए कितना फोर माइनस टू आई टू प्लस टू आई यह कितना हो जाएगा सिक्स प्लस टू आई एट माइनस टू आई हो गया उसके बाद क्या है यह तो हमारा क्या हो गया मैट्रिक्स मिल गया जब मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद ये थीटा जो लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले ट्रांसपोज कर ले फिर कंजुकेट कर लें तो टू ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो कितना हो गया कि बुआ देखो फोर माइनस टू आई ये हो जाएगा टू प्लस टू आई सिक्स प्लस टू आई एट माइनस टू आई हो गया अब क्या है कि टू ए मैट्रिक्स उसका क्या करना है कंजुगेट यही ना हो जाएगा हमारे पास वही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जो मैट्रिक्स था हमारे पास देखिए टू ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू ए जो आपको मिला था ना उसको क्या कर लेंगे थीटा, लिख देंगे मतलब ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट करना है तो आप कंजुगेट कर लो कितना है फोर प्लस टू आई सिक्स माइनस टू आई टू माइनस टू आई और एट प्लस टू आई ये हो गया कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो फिर क्या करना है कि ए जो है अब क्या करना है हम लोगों को कि ये समझ में आ गया दो से मल्टीप्लाई करने के बाद दो स्केलर नंबर है कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कंजुगेट एंड ट्रांसपोज किए थे अब क्या करना है हम लोगों को यहां पर कि के को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर के, के जगह पर कितना हमारा है यहां पर के कितना है हमारा टू देखिए यहां पर लिख दिए थे ठीक ना किसी को परेशानी नहीं है हिमांशु आप देखो हमारे पास क्या है ट्रांसपोज ये देख कंजुगेट पहले कर लीजिए के जगह पर हमारा कितना था टू ठीक है बाद में मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए का ट्रांसपोज कर लो टू माइनस आई वन प्लस आई ठीक है आई है ये आई है बुआ ठीक है ना अब यहां पे क्या है कि इसका हम लोग ट्रांसपोज का कंजुगेट कर लो थे? कितना हो गया टू प्लस आई वन माइनस आई थ्री माइनस आई अब फोर प्लस आई ठीक है उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो टू से तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ईच एलिमेंट में टू से मल्टीप्लाई कर दे, फोर प्लस टू आई सिक्स माइनस टू आई टू माइनस टू आई एट प्लस टू आई ठीक है ये नंबर आपको मिल गया यही ना हमारा हो गया क्या चीज यही टू ए का ट्रांसपोर्ट यहां देखिए ये यही ये, ये है तो हमारा देखिए अब देखिए यहां पे कि इसका जो रिजल्ट था और इसका जो रिजल्ट था दोनों अलग है कि सेम दोनों सेम है ठीक ना हाँ के, -के जगह पर टू रख दिए हैं कुछ भी ले सकते हैं टू थ्री फोर फाइव लेकिन सपोज करके ये एग्जाम्पल समझाने के लिए किए थे सिमिलरली इसमें भी ध्यान रखिये जो ट्रांसपोज का था ट्रांसपोज का कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कंजुगेट फिर क्या है कंजुगेट कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर लीजिए या ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर लीजिए यहाँ पे क्या है ए का कंजुगेट करके ट्रांसपोज बी का कंजुगेट करके ट्रांसपोज तो यहाँ पे देखिए ये प्री मैट्रिक्स था ए ये पोस्ट था तो ये उल्टा रिवर्स में हो जाएगा ये अब प्री में चला जाएगा पोस्ट वाला अब पोस्ट वाला प्री में चला जाएगा ठीक है किसी कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं कोई दिक्कत चलिए आगे देखो बुआ क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन यहां पर आ गया सामने आपके बनाइए तो बनाइए क्या है क्वेश्चन यहां पर देखिए तो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है कितना ऑर्डर का है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं वेरी गुड चलिए देखो तो कितना है थ्री बाई थ्री ऑर्डर का तब क्या बोलता है प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज होता है तो ट्रांसपोज का क्या मतलब हो गया कि इसका ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं ए तो दिया ही हुआ है इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले एग्जाम में तो आप इसी लिखिया कि गिवेन ए बराबर इतना गिवेन ए बराबर इतना दिया हुआ है अब क्या करना है हम लोगों को ए ट्रांसपोज किए तो कितना हो जाएगा बस यही पूरा एलिमेंट अगर उतारना है तो उतार सकते हैं वन जीरो थ्री माइनस टू इसका ट्रांसपोज कर लो ठीक है यहां पर ए टी है ए टी या ए ये प्राइम होगा ट्रांसपोज तो रो कॉलम में चला जाएगा वन जीरो थ्री माइनस टू माइनस थ्री जीरो ट्रांसपोज हो गया ठीक है अब क्या है यहां पर दोनों का जोड़ के देखो जोड़ के देखो जोड़ के देखिए इसको इसको किसका ए और ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के बराबर होगा क्या ट्रांसपोज के बराबर होगा क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज करके देखो तो दे बुआ पहले क्या है हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज करके देखो तो ट्रांसपोज करके देखें ए कितना था जीरो माइनस वन टू वन जीरो थ्री कितना है माइनस टू माइनस थ्री जीरो ट्रांसपोज बोला हुआ जीरो अब ये जो हम लोग कर रहे हैं a प्लस ए ट्रांसपोज देखिए तो क्या है ये हो गया जीरो ये हो गया कितना जीरो, ये जीरो, जीरो 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 आ रहा है लेकिन a ट्रांसपोज इसका मतलब दो से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पे यहां पे दो से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले हम लोग करते हैं दो से कर दे मल्टीप्लाई हाँ दो से कर दीजिए तो किसमें दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कितना हो गया ये तो ट्रांसपोज वाले में मैट्रिक इसमें अगर दो से मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसका इसमें मतलब ए प्लस टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हम दो से इसे मल्टीप्लाई करते हैं करके देखते हैं क्योंकि ये होना चाहिए ऐसे ठीक है कर दो तो बुआ कितना हो जाएगा चोरों तो कितना है जीरो जीरो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वन इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू वन माइनस वन ये कितना हो गया जीरो इसका कितना हो गया माइनस थ्री ये कितना हो जाएगा टू ये कितना हो जाएगा थ्री जीरो देखो तो किसके बराबर है बुआ शायद लग रहा है यही है है ना यहाँ पे यहाँ पे टू हो गया टू बुआ यहाँ लिख लेना था टू ये टू यहाँ पे टू हो गया छूट गया यहाँ ठीक है ये किसके बराबर हो गया ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है यहां पे देख लो ये और इसका सेम आ गया इसका मतलब है कि प्रूव हो गया कितना हो जाएगा हमारा इसका मतलब है कि प्लस ट्रांसपोज ऑफ़ ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया ए ट्रांसपोज ठीक है कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना जीरो वन जीरो वन दो से मल्टीप्लाई हाँ दो से मल्टीप्लाई कर लीजिए ठीक है आगे चलिए यहां पे इसको बुआ निकालो तो कितना हो गया देखो टू गिवन मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस ए इतना दिए हुआ है बी इतना दिए हुआ है वेरीफाई करना है तुम लोगों को ठीक है क्या वेरीफाई करना है कि ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ये जो है मैट्रिक्स प्री मैट्रिक्स है ये पोस्ट हो जाएगा ट्रांसपोज में दोनों को वेरीफाई करना है ये बोर्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में बहुत पूछता है अब पूछेगा ही बहुत आसान आसान है डायरेक्ट आप बना सकते हैं क्या ए आपको पता है बी पता है आ ए बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले कन्फर्मेबल दोनों मैट्रिक्स होना चाहिए ये टू बाई ऑर्डर कितना है थ्री कॉलम इसका कितना है थ्री बाई टू इसका मतलब है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा कितना ऑर्डर होगा क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है तो हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा ये ए है ये कितना है बी वन जीरो फाइव माइनस वन टू जीरो यहां पे कितना हो जाएगा बुआ देखो था टू बाई थ्री ये कितना हो जाएगा थ्री बाई टू ओके किसी को कोई परेशानी नहीं है देखो अब मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना हो गया कितना मिल जाएगा टू बाई टू ऑर्डर का ए बी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए ए बी ए यही ना है हमारा कितना ये इसके रो को इसके कॉलम पे पहला देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो टू इंटू वन कितना हो गया टू वन का कितना हो जाएगा जीरो फिर थ्री का कितना हो जाएगा फिफ्टीन उसी तरह यह करो यहां पे देखो तो कितना इस पे रखो सेकेंड कॉलम पे रखो ऐसे कितना हो गया माइनस टू माइनस टू प्लस टू अब प्लस जीरो ठीक है अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई करके फोर वन जीरो कितना होगा इसका मल्टीप्लाई करके इस पे देखो था फोर का वन के साथ कितना हो गया फोर कितना हो जाएगा प्लस जीरो देखो फोर वन को इस पे रखो फोर वन के पास गया वन जीरो के पास गया जीरो फाइव के पास गया तो कितना हो गया जीरो ठीक है ना ओके अब देखो इसको फिर इसके पास रखो तो कितना हो जाएगा माइनस फोर प्लस टू और जीरो कितना रिजल्ट आ गया इसका बुआ कितना है सेवनटीन इसका कितना है जीरो इसका कितना है फोर इसका कितना है माइनस टू ये अब इसके बाद हमारे पास क्या था एबी का ट्रांसपोज यहां पर देख लीजिए हमारा एबी का ट्रांसपोज कर लो तो क्या हो जाएगा रो जो है हमारा कितना कॉलम में था कितना हो जाएगा सेवनटीन जीरो देखो फोर माइनस टू ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास ठीक है सेवनटीन जीरो फोर सेवेंटीन कितना आ गया जीरो फोर माइनस टू ठीक है अब देखो वहां पे क्या है कि एंड क्या करना है हम लोगों को ए दिया हुआ था ए ट्रांसपोज कितना हो गया बुआ देखो था ए का ट्रांसपोज टू वन थ्री फोर वन जीरो रो को कॉलम में रख दीजिए बी का ट्रांसपोज कितना हो गया बुआ देखो था रो कॉलम में वन माइनस वन जीरो टू फाइव जीरो ठीक है अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं किसका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज देखो था ये रिवर्स रिवर्सबल इसी को करना है लेफ्ट में तो हमारा रिजल्ट यही आया है और right राइट में इतना है कितना हो जाएगा देखो था बी ए का बी का पहले रख लो कितना है वन जीरो फाइव माइनस वन टू जीरो और उसके बाद क्या करना बुआ ये देखो था टू फोर वन वन थ्री जीरो हम लोगों ने रख लिया इसका कितना है ऑर्डर देख रहे हैं ये सब कितना टू बाई थ्री थ्री बाई टू मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना हो गया टू बाई टू देख रहे हैं ना इसका कॉलम इसके रो के बराबर इसको ऐसे उठाइए और इस पे डालिए पहला रो पहले कॉलम पे कितना वन टू के पास गया था टू जीरो और फिफ्टीन अब देखो दूसरे पे रखिए था कितना वन फोर के पास जाएगा था फोर प्लस जीरो अब प्लस फाइव किसके पास रहा जीरो के पास अब देखो तो कितना हो जाएगा बुआ दूसरा उठाओ यहां पे माइनस वन इस पे था कितना हो गया माइनस टू अब प्लस टू अब प्लस जीरो ओके फिर दूसरे पर रखो तो इस पे माइनस फोर माइनस फोर टू का यहां पे कितना हो जाएगा टू अब प्लस जीरो किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा क्योंकि यहां पे क्या निकाल रहे थे बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज यहां पे क्या निकाले हम लोग ए बी का ट्रांसपोज देखो थे दे कितना हो जाएगा सेवनटीन यहां पे कितना हो जाएगा फोर सेवनटीन फोर इसका देखो थे दे कितना जोड़ोगे तो जीरो इसका कितना हो जाएगा माइनस टू यहां रिजल्ट देखो वन टू वन टू ये टू है ठीक ना टू ये टू है तो कितना हो जाएगा देखो तो ये रिजल्ट टू है ये क्या निकाले थे हम लोग बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यही ना निकाले थे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जब हम लोग यहां से निकाले थे फ्रॉम वन एंड टू से क्या मिल गया हमारा देखिए तो ऐसे ही लिखिएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारे पास हो गया यही रिजल्ट लिखना है आपका बोर्ड <coughs> में हंड्रेड परसेंट आएगा हंड्रेड परसेंट पॉइंट वन परसेंट भी कम नहीं है कि नहीं आएगा क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट और अभी ध्यान दीजिएगा ठीक से तो मार्क्स भी इसमें आ जाएगा क्योंकि जो ही वही जो मार्क्स जो आपके सर्टिफिकेट्स पर चढ़ेगा तब ना अपने जो पोता पोती आपका बाल बच्चा सब होगा उसको देखे देख बेटा इतना नंबर है बहुत पढ़ाकू थे हम ठीक है अभी नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा उस समय क्या दिखाइएगा चलिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह हम लोग धीरे धीरे अपने <coughs> रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे इसी तरह धीरे धीरे ठीक है कोई दिक्कत है मानसू समझ में आ गया ना आगे चले हम लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का समझ में आ गया आगे चले या क्वेश्चन शायद हाँ फिर दोबारा आ गया क्या इसको बनाना है के का वैल्यू कितना होगा के का वैल्यू कितना होगा K क्या है के ए स्क्वायर यहां दिया हुआ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं डायगोनली वन वन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो बताइए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर तो निकालने आ जाएगा पहले ए इंटू ए ए का मतलब है कि इसको रख लीजिए थ्री माइनस टू और फोर माइनस टू कितना हो जाएगा हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करो बुआ कैसे देखिए रो को कॉलम पे रखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा नाइन माइनस एट टू को इसके साथ फिर देखो इसको रखो तो कितना माइनस सिक्स कितना है प्लस फोर इसको देखो बुआ इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा फोर को इसके साथ ट्वेल्व फोर को इसके साथ रखो ऐसे ऐसे उठाइए माइनस टू है माइनस टू बीच फोर माइनस टू मत समझ लेना दोनों एलिमेंट है सब ये अलग एलिमेंट है ये अलग है हम लोग स्पेस दे के लिखे हुए हैं जैसे यहां पे देख रहे हैं ना स्पेस दे कैसे अरेंज किए हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा बुआ देखो था कौन सा उठाए थे दूसरा तो कितना है फोर ट्वेल्व माइनस एट फिर देखो यहाँ पे कितना है माइनस एट प्लस फोर कितना आ गया देखो था ये वन ये कितना है देखो था माइनस टू ये फोर ये कितना हो गया माइनस फोर ये रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर ये रिजल्ट हमारा आ गया फिर क्या है तो अब हम लोग चलते हैं क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना था हमारे पास के इन टू ए माइनस टू आई ये रिजल्ट यही है तो हमारे पास ए स्क्वायर का रिजल्ट लिख लो कनेक्ट क्या है चलिए ठीक है हमारे पास कितना है बुआ ए स्क्वायर की जगह पर कितना रख लेंगे यही रख लेंगे हाँ ठीक है वन माइनस टू और फोर माइनस फोर इक्वल टू के इन टू ए के जगह पर देखो तो बोला कितना यही थ्री माइनस टू फोर माइनस टू और माइनस माइनस टू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी का मतलब है कि वन जीरो जीरो वन किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए है? वन माइनस टू फोर माइनस फोर बराबर के से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा थ्री के माइनस टू तो कितना होगा मल्टीप्लाई करके देखिए थ्री के माइनस टू ये कितना हो जाएगा माइनस टू के और उसका कितना है टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जीरो इसका देखो फोर के माइनस जीरो ये देखो माइनस टू के इधर कितना हो जाएगा माइनस टू ये एलिमेंट समझ में आ रहा होगा कि यहां पर देख रहे ये एलिमेंट किसके बराबर इसके ये फोर किसके बराबर इसके समझ में आ रहा है माइनस टू किसके बराबर है तो तो देखिए इसके बराबर फिर ये देखिए ये किसके बराबर है तो ये इसके बराबर है तो बताइए तो किस लिए कितना हो गया वन बराबर थ्री के माइनस टू इसको इधर लाइए तो थ्री थ्री के बराबर के बराबर कितना है वन सबके लिए वही के वन अगर के बराबर अगर मन लिखिए वन तो आ गया वन so सेटिस्फाई करना चाहिए तो 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 मतलब है कि के बराबर यही रिजल्ट आ गया आपका ठीक है लेफ्ट बराबर राइट क्योंकि टू बाई टू ऑर्डर है टू बाई टू ऑर्डर है और कॉरसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल ठीक है कोई परेशानी नहीं है इसमें ठीक ना ठीक है कहां चले जाते हो तुम लोग ठीक है के इक्वल टू वन तनु और नीतू ठीक है बहुत अच्छे बुआ <coughs> चलिए किसी को परेशानी नहीं ना बुआ बोलो समझ में आ गया परेशानी नहीं ना है आगे चले हैं ठीक गुड आगे का क्वेश्चन देखा जाए आ, ये देखिए टू मार्क्स में पूछे हुआ है थोड़ा पहले पूछे हुआ है अब बोर्ड में एनसीईआरटी सब जगह ये क्वेश्चन है आपके पास ये क्या है ट्रांसपोज और ये है मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वेरीफाई करना है वेरीफाई करना है कर दीजिए वेरीफाई कैसे वेरीफाई होगा पहले ए ट्रांसपोज कितना ए दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा देखो तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा रो कॉलम में तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा साइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत नाउ देखिए दो ए ट्रांसपोज ऑफ ए तो पहले ए ट्रांसपोज लिख लीजिए कॉस अल्फाइल माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा उसके बाद ए लिख लीजिए कॉस अल्फा साइन अल्फा और कितना है हमारा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बेडिफाई कीजिए इसको मल्टीप्लाई करके <coughs> जय प्रकाश चलो जय प्रकाश जय जय हो आ जाओ कितना है बुआ इसका देखो तो कितना हो जाएगा इसका रो कॉलम पे रखो तो बुआ कितना हो जाएगा हम लोग लिख लेते हैं ऐसे कितना ऑर्डर है इसका टू रो टू कॉलम यहाँ पे कितना है टू रो टू कॉलम ठीक है टू रो टू कॉलम तो कितना हो जाएगा देखो था ये देखो ऐसे इसको इस पे रखो तो किससे मल्टीप्लाई होगा पहला उसके बाद फिर यहां पे रखना इस पे तो पहला रो पहले कॉलम पे तो कितना कौस, कौस, अल्फा कितना हो जाएगा स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस कितना है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा फिर पहले को उठा के इस पे रखो तो कितना है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा फिर यहां से इस पे ऐसे रखेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ठीक है अब दूसरे वाले को देखे तो बुआ इसको ऐसे रखो तो साइन कॉस के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो था साइन अल्फा कॉस अल्फा ठीक है फिर कितना हो जाएगा इस पे देखो था माइनस माइनस क्या है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इसको फिर दूसरे पे रखो क्या साइन अल्फा साइन मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर अल्फा ऐसा क्या हो जानते है कि sin कितना, ये कितना हो ये भी कट रहा है, तो जीरो ये हो गया वन इसी को ना हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हुए यहां देखो राइट right साइड में आ गया यहां पर देख रहे हैं ना क्या हो गया कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज और इसको करेंगे तो कितना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया क्या चलिए थैंक यू थैंक यू पढ़ समझ में आ रहा है ना सबको हाँ ठीक है बुआ पढ़ो समझ समझ के पढ़िए <coughs> आगे चले हम लोग ओके चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं ठीक है हम लोग क्या पढ़े आज आते ही ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दूसरा क्या पढ़े कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स फिर क्या पढ़े हैं कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स अब फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम लोग कहां पहुंच गए यहां पे देखिए देख रहे हैं ना अभी हम लोग क्वेश्चन ये सब सारा 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 क्वेश्चन किए हम लोग इधर ठीक है ये सब सारा क्वेश्चन कर लिए हैं उसके बाद हम लोगों के पास कहां पे है कहां पे है कहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम सुनते ही है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है उसका ट्रांसपोज किया जाए जैसा मैट्रिक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे ठीक है मतलब कि ट्रांसपोज करने के बाद ओके okay, हाँ तीन टॉपिक हो गया क्लियर देखिए आगे भी कीजिए आगे चलते जाइए पढ़ते जाइए क्या लिखा है सिमेट्रिक किसको बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर जाना ना यहाँ पे ऑर्डर कितना है कभी भी एन बाई एन ऑर्डर बोलेगा या एन बोलेगा समझ आइए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा इफ ए आई जे बराबर ए आई फॉर ऑल आइडेंटिटी यहां लिखा है मेन आपको ये है आई डबल एफ ये ट्रांसपोज जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा नोट यहाँ पर लिखा नोट क्या है यहां पर लिख दिया यहां पर इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे पहले तो यहां देखिए कि यह मैट्रिक्स जो है हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कब जब ट्रांसपोज करने का एग्जाम्पल देखिए यहां पे एग्जाम्पल पे सबसे अच्छा आसान याद रखिएगा देखिए जैसे लिखा हुआ है टू थ्री फाइव ठीक है ठीक इसका जो देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स जो हम लोग देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स है ना डायगोनल ये डायगोनल मैट्रिक्स में, में कुछ भी आप लिख दीजिएगा ज्यादा आसानी रहेगा ठीक है लेकिन ठीक सीमेट्रिक इसको मिरर इमेज का काम करें जैसे यहां तीन है तो यहां भी तीन लिख दीजिएगा यहां पे तीन लिख दीजिए ठीक है यहां पे कुछ लिख दीजिए जैसे सेवन है यहां पे अगर टू लिखते हैं तो यहां पे टू यहां पे क्या फाइव है देख रहे हैं फाइव है तो इसको फाइव लिख दीजिए इसको टू लिख दीजिए इसको वन लिख दीजिए अब देखिए यहां पे समझ में आ रहा होगा कि ये मिरर की तरह काम करेगा आईना की तरह अभी समझ लो बउआ पहले रिवीजन क्या है रिवीजन तो आप ही को करना है यहां इतना मेहनत से जो खून पसीना बहा के सब पढ़ा रहा है किसके लिए पढ़ा रहा है आप ही के लिए ना नहीं तो कितने स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे है, जा रहे सबके लिए चाह रहे कि जो आए बच्चा जब कहीं चला जाए सेट हो जाए अच्छे जगह पर चला आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं ठीक है पढ़िए आगे क्या है जो नहीं समझ में आएगा बे बुआ पूछ लीजिए ठीक है कमेंट करके अपना पूछ लीजिए ठीक है क्योंकि वहां पर जो आइएगा अभी तो मान लीजिए क्लास में भी रिवीजन तो करना है देख रहे हैं सेवन ट्वेंटी में सेवन ट्वेंटी मार्क्स ला रहा है सब पूछिए क्या है तो बोला रिवीजन रिजल्ट तो उसी का आएगा जो रिवीजन करेगा नहीं तो देख के क्वेश्चन को मुस्कुराइएगा जाइएगा तो यहाँ वो तो यही मेन आईटी छोड़िए बोर्डे में ये भी देख के मुस्कुराने लगेगा आप ऐसे ठीक है तो हम लोग देखिए कहां पे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास है मैट्रिक्स का मतलब है कि ए फो द मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन यही है ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे रिमार्क्स में हम लिख देते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ एंड इफ उसका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो जैसा था वही मैट्रिक्स बोलेंगे ये डिफिनेशन समझ में आया ये आसान है ज्यादा उसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में था या देखिए लैंग्वेज में लिख दे एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कब जब उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो है वही मैट्रिक्स हो जाए ठीक है तो देखिए यहां पे आसानी क्या है एग्जांपल पे कि हमारा देखिए कि ये हमारा क्या है डायगोनली है टू सेवन वन वन देखिए इसका देखिए ए इसका मेरा इमेज देखिए यहां है फाइव यहां है तो यहां फाइव है देख रहे हैं ना फाइव यहां है हमारा फाइव तो यही फाइव यहां है टू का यहां या टू दोनों का दिख रहा है समझ में आ रहा है तो मिरर इमेज इसका मतलब क्या है पता है ए ट्रांसपोज अगर कर लेते हैं देख लीजिए करके इसका मतलब है कि इसका ट्रांसपोज कीजिए जैसे टू थ्री फाइव ठीक है थ्री सेवन टू और फाइव टू वन इसका ट्रांसपोज करके देखो बुआ था क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे कि ट्रांसपोज हमारा क्या आया ये रो देखो कॉलम में रखो टू थ्री फाइव थ्री सेवन टू फाइव टू वन ये देखो तो कैसा शकल है एक है की तरह है कि नहीं एक की तरह है तो हेंस लिखेंगे हेंस, मैट्रिक्स ए इज कौन सा मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है सिमेट्रिक है उसका ट्रांसपोज करने के बाद वही रिजल्ट आ गया ठीक है समझ में आया एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा चलिए नोट में यहां लिखा हुआ ये बोर्ड में भी पूछ सकता क्वेश्चन भी बन सकता है इसका क्वेश्चन भी है ये एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वह सेमेट्रिक होगा देखिए वह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेमेट्रिक होगा इसका मतलब क्वेश्चन यही क्वेश्चन नोट जो लिखा है ना ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यही बन जाएगा एफ ए इज वही स्क्वायर मैट्रिक्स इसका देखिए ना हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन है तो बनाइए ना क्वेश्चन बना ही लेते हैं क्वेश्चन को ही समझ लीजिए क्वेश्चन ही समझ लीजिए एक तरह से ठीक है ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है कुछ नहीं करा वो क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा समझ लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारा लेट कौन सा ए प्लस ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स हमने माना ये ट्रांस ये सिमेट्रिक है कि नहीं ये आप देख लीजिए सिमेट्रिक है कि नहीं तो इसका मतलब है कि इसका ट्रांसपोज कर लीजिए ट्रांसपोज करने का मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कर लीजिए ट्रांसपोज के बारे में क्या पढ़े हैं आप लोग बताइए तो क्या पढ़े हैं कि अगर किसी ए प्लस बी का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ट्रांसपोज करना है तो इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज होता है क्या हम्म ठीक है क्या समझ में आया ना ये पढ़े हैं प्रॉपर्टी आप तो ठीक इसी तरह देखिए इसका मतलब ये देखिए इसको मैंने माना है कि इस मैट्रिक्स को बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स से तो बोला कि ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है तो हम लोग देखिए क्या किया इसका ट्रांसपोज के इस मैट्रिक्स को मान लिया हम लोग कि मैट्रिक्स टी है इसका ट्रांसपोज करके देख रहे हैं सेम सकल आना चाहिए पहला प्रॉपर्टी क्या था ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही ना हो गया चलिए तो ए A ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी क्या परे थे? जैसा था वैसी ही क्योंकि फिर बदल गया रो और कॉलम में तो कितना हो गया बुआ तक तो देखो तो ठीक है, इसको सजा के लिखो तो एक कितना हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट यही ना हो गया तो देखो तो ये क्या था हमारा टी था कि नहीं यही ना टी था तो यहाँ पे क्या मिला टी डैश बराबर टी देयर फोर क्या मिल गया हमारा इसका यही नमूला कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब मैंने ट्रांसपोज किया तो जैसा सकल था वैसा ही मिल गया ठीक है क्या लिखेगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए क्या है हमारा सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स? दिक्कत है किसी को कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट नहीं क्या है ट्रांसपोज ना ठीक है समझ में आया ये क्वेश्चन है आपका तो ये समझ में आ गया कि इस क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका हो जाएगा ठीक है आगे चले ओके okay. देखिए तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे एसक्यू पहले सिमेट्रिक था अब एसक्यू था एसक्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे यहां पर देख रहा है क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इतना ही मैट्रिक्स एफ देखिए ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव आ जाता है फॉर ऑल आई के लिए या यहां पर लिख रहे ट्रांसपोज के बाद हमारे पास क्या हो जाता है इतना मतलब ये है कि डेफिनेशन में हम लोग ये भी लिख सकते हैं और करके कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज sq सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है sq सिमेट्रिक मैट्रिक्स a फैन ओनली कब उसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो गया माइनस हो गए जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वही आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है किसी को हम्म चलिए एग्जांपल के लिए दीजिए इसमें हम एग्जांपल हम लोग सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं देखिए इसमें ध्यान रखना है आपको होता कैसे यहां से इधर से इस साइड से देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि यहां पर ऐसा ऐसा करना है जैसे देखिए जैसे देखिए डायगोनली हमारा जो उसमें लिए थे क्या लिया था डायगोनली यही ना हमारा इसमें डायगोनली अगर लेते हैं जैसे डायगोनली <coughs> यही ना हम लोग डायगोनली ऐसे ऐसे तो जैसे मान लिया जाए कि इसमें डायगोनली जीरो यहां लिखेंगे माइनस टू तो, तो यहां लिखेंगे टू यहाँ डायगोनली में डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो यहां पर कितना है थ्री तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस थ्री ठीक है तो यहां पर लिखेगा फाइव तो यहाँ क्या लिखेगा माइनस फाइव और डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया जीरो एग्जाम्पल डायगोनल एलिमेंट जो हमारा हो गया जीरो हो जाएगा माइनस अगर आएगा तो सो होगा कि नहीं नहीं देखो ना माइनस आ जाएगा तो देखो ना माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एसक्यू मैट्रिक्स देखो ना एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा एक मैट्रिक्स ए जो है हमने ये लिया लेट मान लिया ठीक है ठीके? जब मान लिए हैं तो इसका क्या कहें ट्रांसपोज करना है देखो था ट्रांसपोज कर लो ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा रो कॉलम में चला जाएगा जीरो माइनस टू एंड थ्री ये देखो टू जीरो एंड फाइव देखो कितना देख है बबुआ माइनस थ्री माइनस फाइव एंड जीरो हमारा ए ट्रांसपोज किए थे इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो ईच एलिमेंट में होगा स्केलर क्वांटिटी जैसे कैसे अभी दो से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसके एक एक एलिमेंट में कर रहे थे तो कॉमन अगर माइनस लेते हैं माइनस वन तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये जीरो ही रह जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा यही हो जाएगा देखो देखो ऐसे ये ऐसे ये ऐसे इसका सकल कैसा देखो जो ए था वही है कि नहीं है सब कुछ वही है ए यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग माइनस ऑफ ए यहां पे क्या मिल गया ए इतना किए थे माइनस ऑफ ए मिला ना तो क्या, क्या जो मैट्रिक्स हमारे पास था वही मिला था यहाँ पर लिखेंगे कि हैं इसलिए लिखेंगे कि जो गिवेन मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स ए क्योंकि निगेटिव दे दिया पीछे जो हम लोग पढ़े थे तो पीछे में क्या था हमारा यहाँ पर देख रहे हैं प्लस था यहाँ देख रहे हैं ना जो हमारा था डायगोनली तो कुछ नहीं था यहाँ पे जो एलिमेंट कुछ भी दो सात वन था पांच दस पीस कुछ भी लिख सकते थे यहां पर जो है इसका मिरर इमेज ले लिए हैं तो उसको ट्रांसपोज करने के बाद देख रहे हैं कि वैसा ही एलिमेंट बन गया लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं निगेटिव ऑफ ऐसा मैट्रिक्स होगा जो डायगोनली देख रहे हैं एलिमेंट जीरो जीरो होगा वो किसका होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही होगा और देखिए यहां पर मिरर इमेज में निगेटिव के साथ माइनस दो है तो दो तीन है तो माइनस थ्री फाइव है तो माइनस फाइव कर देना मैट्रिक्स ए e, कैसे एसक्यू सिमेट्रिक? क्या लिखेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा आ गया ये समझ में आ गया होगा टोटल आदमी को क्या तन्नू, हो, 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 समझ में आ रहा है यस सर चलिए चलिए आगे चलते हैं समझ में आ गया है तो ये आया कैसे इसके आगे देखिए तो कुछ पॉइंट होगा हमको लगता है हाँ ये देखिए स्क्यू सेमेट्रिक पॉइंट स्क्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स है ये इसका देखिए डायगोनली कैसे कैसे जीरो आया कभी कभी पूछ देगा कि स्क्यू सेमेट्रिक का ऑल एलिमेंट्स ऑफ द

इतना एक्मेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब होगा कब होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था अकॉर्डिंग टू डेफिनीमेट्रिक कब होगा जब हमारा इसका ट्रांसपोज करते हैं तो कितना होता है माइनस ऑफ ए होता है यही नहीं होता है ए का मतलब अगर मानते हैं यहां पे मान लेते हैं कि लेट लेट ए बराबर कितना लिखते हैं बुआ कि ए आई जे ए आई जे यहाँ पे ऑर्डर कितना है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा एम बाई एन लिखो या एन बाई एन लिखो यहाँ पे अगर ठीक इसी का कर ट्रांसपोज करते हैं ट्रांसपोज ट्रांसपोज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बुआ ए जे आई जो रो का होगा इसमें हो जाएगा ये भी कितना ही ऑर्डर का रहेगा एम बाई एन ऑर्डर का लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद ये जो हमारा वैल्यू आएगा किसपे आएगा इस पे आ जाएगा तो यहां के बाद देखिए एलिमेंट समझ में आया तो यहां पर देखिए कि वहां के बाद ये जो लिख रहा है थे, इतना के बाद हम यहां लिख देते हैं ये देख रहा है ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ऑफ इतना हो गया तो यहां पर क्या ट्रांसपोज के जब बैठाइए तो कितना हो जाएगा कितना ए ट्रांसपोज ऑफ माइनस ऑफ ए तो माइनस ऑफ ए का मतलब ए ट्रांसपोज का मतलब कितना हो गया ए जे आई और उसका कितना है एम बाई एम ठीक है इक्वल टू माइनस कितना हो गया ए आई जे ठीक है यहां पे इसके बाद हमारे यहां पहुंच जाइए यह पे 4ij, यहां पहुंच जा, कितना है तो इसका मतलब है कि सेम ऑर्डर सेम है हमारा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है अंदर वाला ए ये और ये देखो हमारा निगेटिव है इसका मतलब ये हो गया ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे किसके लिए फॉर ऑल ये किसके लिए फॉर ऑल आई और जे के लिए ठीक है ठीक है जब यहां आ गए तो यहां देख लीजिए ए आई जे इक्वल टू क्या लिखे है यहां देखिए ए आई जी इक्वल टू माइनस मतलब कोई किधर कर दीजिए आपको क्योंकि ए आई जे वहां था यहां पे कितना हम लोग कर दें? इसको समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं ना है यहां पर आई जे ठीक इसको क्या कर देंगे ए आई जे इक्वल टू कितना होगा माइनस ए जे आई कितना सारा आई जे के लिए ये है कंडीशन अब देख लीजिए यहां के बाद यहां के बाद यहां हमारा क्या है यहां पर देखिए ए आई जे बराबर इतना फोर ऑल ये ट्रांसपोज अच्छा वही चीज रिपीट कर दिए यहां पर जो लिखा हुआ है फॉर ऑल ए आई जे यहां पर देख रहे हैं ना ट्रांसपोज ऑफ इतना उसी चीज को लिखा है यहां जब लिख लिए हैं तो यहाँ के बाद देख रहे हैं ये आई जेवल टू इतना यहां लिखा हुआ है for all value of I? जब जब I बराबर J हो जाएगा तब ये जो लिखा हुआ है ना वही चीज देखिए यहां पे पे यहां पे कितना है यहां पे लिखे तो for I J के जब हमारा when लिखते हैं कि आई बराबर जब जे क्योंकि मतलब पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हो गया डायगोनल एलिमेंट्स क्या था यहाँ पर देख रहे हो यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इसका एक्सक्यूमेटिक्स का जीरो जीरो कैसे हुआ <coughs> देख लीजिए जब I बराबर J होता है तो क्या एलिमेंट्स हो जाता है यहाँ पर देखो इक्वल टू माइनस जे सॉरी यहाँ पर देखो क्योंकि क्या लिखे थे तो, आई आई लिख A, I बराबर जे तो i I लिख दो इधर माइनस कितना होगा ए आई आई लिख दो इसको इधर लिखोगे तो कितना टू ए आई आई लिख दो इक्वल टू इधर कितना बच गया जीरो जीरो से भाग दे दो ए आई आई इक्वल टू जीरो ऑल एलिमेंट्स यहां पर देखो तो यही ना हमारा हो गया कितना टू आई ए यहां पर देख रहे हैं इक्वल टू इसको उधर ले गए हैं किसके लिए फॉर ऑल आई बराबर के लिए कोई दिक्कत है किसी को तो यही पे लिखे इसीलिए हमारा ए आई के जब वन रखोगे तो वन वन कितना हो गया रखोगे तो कितना हो जाएगा जीरो ए थ्री थ्री रखोगे तो कितना होगा जीरो डॉट 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 कितना हो, हो जाएगा ए, ए एम बाई एम अगर लिखते हैं एन है तो एन एन एलिमेंट कितना हो गया जीरो सारा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट जो हो जाएगा हमारा जीरो हो गया समझ में आया कोई परेशानी नहीं ना है इसमें ये हमने इधर से प्रूफ किया यहाँ से यहाँ आया उसके बाद ठीक है उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से यहाँ लिखने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने प्रूफ किया ये जो थोड़ा शॉर्टकट में था उसको डिटेल में हम लोगों ने लिख दिया ठीक है कोई परेशानी है बोलो जल्दी हाँ? नहीं ना किसी को परेशानी नो शर्ट चलिए चलिए हम लोग आगे का पॉइंट चलते हैं ठीक है इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए ना ऑल एग्जांपल एग्जाम्पल और दे देते हैं चलिए एग्जाम्पल और दे देते हैं एग्जाम्पल क्या है डायगोनल एलिमेंट्स का जैसे बोले थे कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे जीरो ही आएगा कि ए लिखा हुआ है मतलब उसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारा डिफिनीशन यही ना था ये देखिए ना डिफिनीशन एक मैट्रिक मैट्रिक्स ए दैट ए इज एसक्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स एफ एंड ओनली एफ कब ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव आएगा तो निगेटिव आएगा तो हमने ए माना था इतना इसका ट्रांसपोज कर दिए दोनों को इक्वल कर लिए तो दोनों को इक्वल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये हमारा ए आई आइए ट्रांसपोज का वैल्यू ये लिख दिए उसका ये लिख दिए और दोनों का ऑर्डर सेम था कोडिंग एलिमेंट्स है ये अंदर का एलिमेंट्स इक्वल करने के बाद यहाँ पर आई बराबर जे किए थे मतलब आई क्योंकि जानते हैं कि डायगोनल में जो डायगोनली एलिमेंट होता है उसका कितना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायगोनल एलिमेंट्स देखो ना ये देखो वन वन ए वन टू ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री यहाँ पर देखो ए वन थ्री ए टू थ्री यहां पर देख रहे हैं यहां पर कितना है टू टू डायगोनल एलिमेंट देखा यहां पर देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट्स यही ना है ये वन वन है ये कितना है टू टू है ये कितना है थ्री थ्री है तो आई है इसको कहते हैं आई आई इसको क्या कहते हैं जे कहते हैं तो आई बराबर जी डायगोनल का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ये क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसी तरह इसका मतलब हुआ हुआ ठीक है तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या है लिए हैं तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं, जीरो तो टू फोर यहां पर माइनस टू देख रहे हो हम लोग खुद ऐसे कर रहे हैं यहां पे कितना अगर मान लिया कि माइनस थ्री है तो फोर है तो कितना लिख दें इसको इसको फोर है तो कितना लिख दे फोर है तो कितना लिख दें यहां पे माइनस फोर या माइनस थ्री है तो कितना लिख दें थ्री जीरो ट्रांसपोज करके देख लो बुआ यहां पे तो टू जीरो टू फोर ट्रांसपोज कर रहे हैं माइनस टू जीरो माइनस थ्री माइनस फोर थ्री जीरो इसमें से माइनस कॉमन लेके देख लो तो जीरो टू फोर माइनस टू जीरो माइनस थ्री माइनस फोर थ्री जीरो इसका सकल देखो तो कितना है बुआ ये देखो के सकल का है कि नहीं है है ना तो डायगोनल एलिमेंट जब जीरो जीरो था तब ना आया उतना नहीं तो नहीं ना आता क्या क्या आ जाता हाँ डायगोनल ही जीरो जीरो है चलिए वो हम लोग प्रूफ किए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रूफ किए है कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाएगा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि प्रूफ दैट आपको बोर्ड में पूछेगा प्रूफ दैट ठीक है डाय ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ऑल लिखेंगे क्या ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ किसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर क्या चीज जीरो ये क्वेश्चन ही बस यही है समझ में आ गया ये क्या है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो डायगोनल एलिमेंट्स कहां से जीरो तो हम लोग स्टार्ट यहां से कर देंगे कि सारा एलिमेंट्स यही हो गया यहां पर लिख देंगे कि प्रूफ क्या ठीक ना कोई दिक्कत है हाँ सर ठीक है चलिए हम लोग कहां थे ये एग्जाम्पल फिर दे दिए हैं नेक्स्ट चला जाए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोआ ऐसा है इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए देख लीजिए ध्यान रखिएगा क्या इसको सब जान लीजिए पे, पे उसका ऑर्डर क्या है इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल कब उसका ट्रांसपोज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो भैया मतलब ये हो गया हमारा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारा कोई भी मैट्रिक्स है हमारा ठीक है कितना ऑर्डर का है लिखा है एन बाई एन और उसका ट्रांसपोज कर लीजिए तो उसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा एन बाई एन ही है लेकिन जब उसका ट्रांसपोज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एन आइडेंटिटी ऑर्डर मैट्रिक्स मिलना चाहिए या इसको ए को ए से ट्रांसपोज कर देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन तो वो जो कहलाएगा जो गिवन मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि एनी स्क्वायर to टू orthogonal यही कहा गया कि इतना तो के लिए क्या कहना है याद होना चाहिए आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसफोर्स कर, करेंगे हम लोग अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि वह मैट्रिक्स जो गिवेन है वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है किसी को कोई परेशानी नहीं है नहीं ना चलिए नेक्स्ट पॉइंट और यहां पर देख लीजिए आईडोटेंट मैट्रिक्स समझ लीजिए याद रखिएगा और मतलब है कि जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आई आईड मैट्रिक्स देख ली यहां पर जिस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारा वो क्या कहलाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए इज कॉल आईडेम्पोर्टेंट प्रोवाइडेड इज सेटिस्फाई द रिलेशन ये ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स है हमारा अगर मान लिया जाए कि एफ ए मैट्रिक्स क्या है हमारा कौन सा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर का क्या मतलब हो गया कि ए मैट्रिक्स का ए से मल्टीप्लाई करना था जो ए है एन बाई एन उसका मल्टीप्लाई कीजिएगा एन बाई एन ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा मैट्रिक्स होगा वैसा ही मैट्रिक्स रह जाएगा करेगा तभी हम लोग लिखेंगे कि हैंस इज ए ए कौन सा मैट्रिक्स आई पोटेंट मैट्रिक्स ठीक है आईडम पोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स कोई दिक्कत नहीं है किसी को हाँ ठीक है ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ बहुत अच्छा चलिए इम्पोर्टेंट इसको एकदम समझिए कि नोट में करके इसको याद रखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब ए स्क्वायर अभी जो हम पढ़े थे ऑर्थोगोनल क्या करना था ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ही मैट्रिक्स आ जाएगा तो वैसे मैट्रिक्स को इंपोर्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे यही देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इन वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए को ट्रांसपोज कर दिया जाए या इससे ट्रांसपोज इससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारा क्या मिलेगा ऑर्डर एन तो इसका मतलब है कि ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स ठीक है दूसरी बात क्या था यहां पर देख लीजिए यहां पर ए स्क्वायर करने पर हमको ए आ जाएगा तो बोलेंगे कि ए इज क्या है हमारा वहां पर देख रहे हैं ना क्या है हमारा आईडोटेंट आईडम्पोर्टेंट ठीक यहां पर क्या है हमारा देख रहे हैं ए स्क्वायर करने करेंगे हमारा अगर क्या मिल जाए हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे एज इन वो लोलोट्री इन वो लो मैट्रिक्स ठीक ना मैट्रिक्स हो गया आपका ठीक है ये तीनों ध्यान रखेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ये यूज करना होगा सिर्फ लिखा हुआ रहेगा ठीक है, नेल पोटेंट मैट्रिक्स देख लीजिए कि रहने दे चलिए रहने देते आज ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वो अब पढ़ाई करना है ठीक है पढ़ाई कीजिए पूरा रिवीजन करते रहिए ऐसे भागने से नहीं होगा ऐसे भागने से नहीं होगा क्या होगा बोर्ड उड़ तो सब कट जा रहा है टेबल कुर्सी सब कट जा रहा है बोर्ड उड़ ठीक है उस पे नहीं होगा सारा का सारा जो हम अभी तक पढ़ाए हैं उसको एक कॉपी बना लीजिएगा अच्छे से जी? ठीक है ठीक है बुआ तनु रोल नंबर अच्छा अटेंडेंस बन रहा है चलिए ठीक है ये देखिए यहाँ पर जो अभी जितनी पॉइंट बात बताए हैं सब का सब बार बार रिवीजन देखोगे कि, कि जितने भी टॉपर हैं सारे टॉपर का यही कहना है कि जो जितना रिवीजन करेगा उसका रिजल्ट उतना बेहतर आएगा समझ में आई बात यही है आपके इसमें आज के लिए इतना काफी है क्या अब नेक्स्ट डे के लिए ओके okay? टेक केयर रिविजन किए बुआ पढ़ते रहिए ठीक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती चलिए